नागिन 7 के एपिसोड 1 में दिखेगा प्रार्थना की अद्भुत शक्ति, जिसे देखने के बाद सपोलो के मन में आएगा प्रार्थना का ध्यान, जिसके बाद प्रार्थना फंस जाएगी एक नई मुसीबत में जिससे बाहर निकलना होगा मुश्किल। वहीं प्रार्थना को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए महादेव लेंगे नाग का रूप, ताकि प्रार्थना की मदद कर सके और उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल सके। पर प्रार्थना को लगेगा यह सचमुच का नाग है और पहचान नहीं पाएगी महादेव के इस रूप को और करने लगेगी उस नाग से प्यार। इसके बाद महादेव चलाएंगे अपना माया जिसमें सपोलो की मौत हो जाएगी। वहीं महादेव की शक्ति महाशेष नागिन प्रार्थना में समा जाएगी और प्रार्थना लेगी महादेव का रूप और करेगी दुश्मन का सामना, जिसके आगे सारे सपोले और बचे बाकी सारे दुश्मन अपना घुटना टेक देंगे। वहीं महक को पता चल जाएगा कि प्रार्थना के अंदर महादेव की शक्ति समाई हुई है और इसलिए वे अपना पहचान छुपाकर भाग खड़ी होगी। इसके साथ ही महक भी करने लगेगी महादेव की तपस्या, ताकि महादेव की शक्ति से प्रार्थना को मात दे सके। फिर महक और प्रार्थना में होगा जंग, जिसमें प्रार्थना महक की शक्तियाँ छीन लेगी और नागलोक की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगी। वहीं इसके साथ प्रार्थना पर हमेशा के लिए महादेव का हाथ होगा। वैसे आप नागिन 7 में महाशेष नागिन के रूप में किसे देखना चाहते हैं और नागिन 7 को दिसंबर में शुरू कर देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।